हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और इस सेशन में हम लोग ना जो फ्रैक्शन होगा उसका गुणा भाग जोड़ और घटाना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, जोड़ में यानी कि एडिशन करने में, मल्टीप्लाई करने में और सब्सट्रैक्ट करने में या डिवाइड करने में जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और बहुत हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो क्लास सिक्स के लिए या फिर नाइन्थ के लिए, तो अप्रैल के लास्ट में उनका एग्जाम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि CHS का फॉर्म भी आउट हो गया है, अर्थात CHS का फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है आवेदन। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है क्लास सिक्स के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए और क्लास इलेवन के लिए, वो वेबसाइट पर CHS के जा करके अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो रही जानकारी की बात। और ये जो सेशन होगा, यानी जिस स्टूडेंट को चाहे किसी को भी फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होता होगा गुणा जोड़ घटाना भाग में, तो ये वीडियो जरूर देखें और आप भी अंत तक बने रहिए ताकि आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जोड़, जो फ्रैक्शन का जोड़ होगा कैसे करते हैं। चलिए मान लेते हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। मान लेते हैं हमने 1/2 ले लिया, प्लस 1/3 ले लिया, प्लस 1/4 ले लिया। इसको एड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया आपका 1/2, 1/3, 1/4, इसको ऐड करना है आपको, तब आप क्या करोगे? देखिए, जब ऐसा सवाल आपके पास आ जाए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। तरीका नंबर फर्स्ट क्या है? एलसीएम लेकर। चलिए एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐसे खींच लिया, 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं आप समझ लो, यहाँ 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर हमने सबसे पहले छोटे वैल्यू से कटाना है 2 से, 2 1 2 हो जाएगा, 3 से 2 डिवाइड, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। फिर 3 से करेंगे 1 हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। चलो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 = 4 होगा और 4 × 3 = 12 होगा, यानी यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, 12। यानी कि 2, 3 और 4 का हमने जब एलसीएम लिया तो क्या हुआ, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, इसके नीचे 2 है ना, अब समझो एक सिंपल तरीका से आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 बचा है ना, इसमें 1, 2 कट कर लो, ये जो आपने एलसीएम लिया है और इसके नीचे जो है उसको इसमें से खोज करके उतनी संख्या आप हटा दो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 1, 2, ये 2 खत्म, बचा कितना, 1, 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 2 × 3 = 6, सिर्फ कितना बचा, 6 बचा। उस 6 का इस ऊपर वाले अंश में आपको गुणा करना है और यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो चलो 2 × 3 = 6 हुआ, 6 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस, ठीक है। यहाँ पर 3 है, इसमें से 3 आप छोड़ दो, 2 × 2 = 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा प्लस, यहाँ पर 4 है ना, तो 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, बचा कितना, 3, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो और यहाँ पर 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलो अब इन सबको हमें ऐड कर देना है, 6 और 4 कितना होगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, आंसर आपका आ जाएगा 13/12, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हमने 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया है, इसका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है, यहाँ पर 2 है, 1, 2 है, जब यहाँ पर 2 है तो 1, 2 छोड़ देना है, 2 × 3 = 6 बचा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 है, 3 को हमने छोड़ दिया, 2 × 2 = 4 हुआ, 4 का गुणा इसमें किया हमने 4 लिख दिया, और फिर यहाँ पर 2, 4 है तो 2 × 2 = 4 होगा, तो सिर्फ 3 ही ना बच रहा है यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नंबर दूसरा तरीका क्या है उसको आप समझ लो, 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/4 है, ठीक है।
अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक और तरीका ये है कि इन जो नीचे जितने भी हर हैं, नीचे जितने भी वैल्यू हैं, उसको आप इक्वल कर लो। कोई ऐसा तरीका अपनाना है कि ये तीनों सब बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए कैसे बराबर हो जाएगा? आपको ये सोचना होगा कि ये दो है, दो का टेबल पढ़ते जाना है, तीन का टेबल पढ़ते जाना है, चार का टेबल पढ़ते जाना है, और कब ऐसा ऐसी संख्या आती है कि इन सभी का टेबल पढ़ने के बाद वही डिजिट आता हो। देखिए, दो का टेबल पढ़ते जाएंगे तो दो दो छक्का 12 भी होगा, तीन चौका 12 होगा, और चार तिहाई 12 होगा, यानी 12 आ रहा है ना। इन सभी भिन्नों के नीचे आपको 12 कर लेना है। कैसे करोगे? देखो, इसमें हम कितना गुणा करें कि 12 हो जाए, तो सीधी बात है 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से ऊपर भी गुणा कर दो, 6 से नीचे भी गुणा कर दो, 6 बटा कितना हो जाएगा, 6 × 12 प्लस। ठीक है, इसको हमें 12 करना है, कैसे होगा? 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 × 12 हो रहा है ना, तो 4 का टेबल पढ़ना है, तो 4 का गुणा नीचे भी कर लो, 4 का गुणा ऊपर भी कर लो, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा प्लस। 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 4 × 3 = 12, 3 बार पढ़ना है, तो 3 का गुणा 1 में, और 3 × 12। देखिए, अब नीचे सब क्या हो गया? इक्वल हो गया, सब 12 12 आ गया ना। यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे 12, और जब नीचे का जो हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या को उसी तरह से हमें जोड़ देना होता है, तो सबको आप ऐड कर दो, 6 × 4 = 10 हुआ, और 3 × 13 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप देखो, आप अगर आपको ये चेक नहीं कर पा रहे हो कि नीचे वाली जो संख्या है उसे हम कैसे पता करें कि ये 12 ही होगा, तो उसके लिए आप चाहोगे तो 2 3 4 का आप ऐसे एलसीएम ले लोगे, इसका गुणा करोगे तो 12 ही आएगा। अब आपको ये आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें इन सभी के नीचे 12 करना है। ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि हमारा जो नीचे का वैल्यू है 12 हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं और भी समझते हैं। अब आते हैं घटाने में। ठीक है, घटाना के लिए क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 9/8 है, ठीक है, माइनस 5/8 है। ठीक, जब भी आपसे घटाना में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, नीचे का जो हर है वो 1 बराबर हो। ठीक है, जब नीचे का हर 1 बराबर होता है तो ऊपर वाली वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को घटा लिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे हम लोग 8 ही लिख लेंगे, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया आपका 4/8। अब हमें करना ये होगा कि देखिए 4/8 आ गया। ठीक है, अब ये कट रहा है अभी। ठीक है, 4 के टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा, तो 4 × 1 जा क्या हो जाएगा, 1, और 4 × 2 जा हो जाएगा 8, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन जब हर जो नीचे हर है वो अलग अलग आता हो तब आपको क्या करना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लेते हैं 5/9 है और माइनस 1/2 है। ठीक है, 5/9 दिया और 1/2 दिया है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 2 का एलसीएम आपको लेना है। तो जब भी कोई दो डिजिट ऐसे दिया हो और नीचे हर एक दूसरे से भिन्न हो, ठीक है, यानी कि वो ऐसा मान हो कि जैसे ये देखिए विषम संख्या और ये सम संख्या है, तो एक दूसरे से अलग है ना। अगर इतना आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 9 और 2 का आपको एलसीएम ले लेना है। 9 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से कटा लेंगे इसको, 9 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 से आप कटा लेंगे, 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 से कटा लेंगे, 1 1। ठीक है, आपको गुणा कर लेना है, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, यानी कि आपका एलसीएम 18 हो गया। दो तरीका वही है सॉल्व करने का, एक तरीका आपके पास ये है कि जो हर है नीचे ना उसको आप 18 बना लो। ठीक है, कैसे देख लो, जो हर है इसको 18 बना लेना है आपको। 9 में आप कितने का गुणा करो कि 18 हो जाए, तो 9 में आपको यही पता है कि 2 से गुणा किया जाएगा, तो 9 में हमें 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 18। फिर 5 में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 10। माइनस 2 में हम कितने का गुणा करें कि 18 हो जाए, तो सीधी सीधी बात है कि 2 में 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18
दो में हमने नाइन से गुणा कर लिया, तो नाइन का गुणा ऊपर भी तो करेंगे, तो नाइन एकम नाइन हो जाएगा। अब देखिए नीचे का वैल्यू क्या हो गया, सेम सेम आ गया, यहाँ हो जाएगा अठारह, दस में से आपको नौ घटा लेना है तो एक हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे लगाना है। दूसरा तरीका आपके पास ये है यहाँ पर कि एलसीएम आपने 18 ले लिया है, यहाँ पर 9 है तो इसमें आपको 9 छोड़ लेना है। ठीक, 3 3 9 यानी कि 9 हो रहा है ना, इन सबको छोड़ दो, बचा क्या 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 2 5 10 माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2 को छोड़ दो, जो वैल्यू नीचे होता है ना उतना वैल्यू हमें इसमें छोड़ देना होता है एलसीएम में, तो क्या होगा इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 3 3 9, 9 के गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको कर लो आप माइनस, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा और आ जाएगा 18, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो और एक सवाल और देख लो। देखिए अगर आपके सामने ऐसा सवाल दिया हो, 2 सही 5/9 माइनस 3 सही 1/7, ये दिया हो ऐसे आपको, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका पता चलेगा तो आप कैसा भी रहेगा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हमें ना इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे, 9 का टेबल 2 में करेंगे, 9 2 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23 बटे आ जाएगा 9। समझो आप, 9 का टेबल हमें इसमें 2 टाइम पढ़ना होगा, 9 2 18 हो गया, 18 5 23। ठीक है, यहाँ पर हो गया 23 बटे हो जाएगा 9 माइनस। 7 का टेबल 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 21 हुआ और 1 जोड़ देंगे कितना 22 बटे हो जाएगा 7। अब आपको 9 और 7 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, या फिर एक बात और समझ लो, जब ये संख्या आपस में एकदम भिन्न है, देखो जैसे ये अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जो खुद अपने आप से कटेगी, और ये एक विषम संख्या है, तो खुद ये इन दोनों का जो रिश्ता है ना एकदम बेगाना है। ठीक है, जब ऐसे नीचे रहेगा तो सीधी सीधी बात है ना कि इसका गुणा आपको इसमें कर लेना है, इसका गुणा आपको इसमें कर लेना है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। एक तरीका ऐसे भी है, जैसे देख लो इसका गुणा आप इसमें कर लो, 7 3 21 को 1 हुआ, इन हैंड 2 आया, 7 2 14 2 16 माइनस हो गया, ये वाला जो माइनस उसे लिख लेना आपको, इसका टेबल आप इसमें कर दो, 9 2 18 को 8 हो जाएगा, इन हैंड 1 आएगा, 9 2 18 1 19 हो जाएगा, और माइनस कर लेना आपको 9 7 63। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको देखिए 161 में से 198 घटाना है आपको, ये तो दिक्कत आ गई ना, समस्या तो आ गई भाई, पैसा है 161 रुपया। ठीक है, और आपको घटाना है 198 रुपया, तब आप क्या करोगे। अब देखो एक सीधा सा सिंपल फंडा ये है, कोई भी वस्तु ना, कोई भी वस्तु है आपको 198 रुपए में लेना है, लेकिन आपके पास पैसा कितना है 161 रुपया ही है। आप दुकान पर जाओगे और वह सामान जब खरीदोगे तो दुकानदार का कितना उधारी रहेगा, तो उधारी को हम लोग माइनस में लिखते हैं। कैसे, देखो अब हमें उल्टा घटाना है, यानी कि 198 में से आप 161 को माइनस करोगे। एक बार और फिर से समझ लो, कोई भी चीज है, मान लो चॉकलेट है, एक डब्बा है चॉकलेट का, और वो चॉकलेट का डब्बा 198 रुपए में मिल रहा है, लेकिन आपके पास पैसा, आपके जो पापा है आपको पैसा दिए 161 यानी 161 रुपया ही दिए हैं आपको। ठीक है, तो अब लेकिन आपको डब्बा खरीद ही लेना है, तो दुकानदार से आप ले लोगे और कह दो भाई अपना उधार उधार सब लगा ही लो। ठीक है, दुकानदार उधारी लगा लेगा, उधारी लगा तो वो पैसा आपको देना ही ना पड़ेगा, तो जब आपको पैसा देना पड़ेगा तो वो कर्ज में है, तो कर्ज को हमेशा माइनस में लिखते हैं। अब कैसे लिखोगे, देखो 8 में से 1 जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 37 रुपए क्या है, उधारी है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना होगा ऐसे, यहाँ पर लिखोगे 37 माइनस 37, ठीक है, माइनस 37 बाई 63। क्यों माइनस 37 बाई 63 आप लिखोगे, क्योंकि ये जो यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू छोटी है और यहाँ की वैल्यू क्या है ज्यादा है, इसलिए आपको ऐसे लिखना होगा, यही आपका आंसर हो गया। यदि ऊपर ज्यादा होता
तब हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऊपर तो कम है नीचे का वैल्यू ज्यादा हो गया, तब हमें क्या करना होगा यही आंसर कर देना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये होता है ऐसे आपको माइनस सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बात और हम आपको बताते हैं, अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए तब आप क्या करोगे, 3/7 है प्लस 9/8 है और माइनस 6/7 है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा तब आप क्या करोगे। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे उसमें एक सिंबल से ज्यादा सिंबल हो यानी प्लस हो माइनस हो गुणा हो भाग हो तब आप क्या करोगे। देखिए जब ऐसे कंडीशन में आ जाए तो सबसे पहले हमें भाग करना होता है, फिर आपको गुणा करना होता है, फिर आपको जोड़ना होता है, फिर आपको घटाना होता है। ठीक है, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना ये क्रम से करना होता है। अगर ये सिंपल वे से अलग हटकर कोई अलग से ब्रैकेट में दे दिया हो या फिर डंडा कोष्टक ऐसे दे दिया हो तो जो अलग देता है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है, चाहे वो गुणा हो या भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो। इतना तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब चलिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ एक बात सोच लो, यहाँ तो भाग नहीं है, यहाँ तो गुणा भी नहीं है, जोड़ है और घटाना है, तो सबसे पहले आपको जोड़ना है और फिर घटाना है। जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, देखो इसके आगे तो माइनस लगा है तो ये तो संख्या टोटल पूरी हमारी माइनस में है तो इसको हमें घटाना होगा, इसके आगे प्लस है तो ये संख्या प्लस में है और इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और इसको घटा देना है। एक तरीका ये है और एक तरीका यह भी है कि आप तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो तीनों का एलसीएम आप ले लो, 7, 8 और 7, तो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है तो सिर्फ 7 एक ही बार लिया जाएगा। जैसे एलसीएम आप ले लोगे तो 7, 8, 7 जब कटाएंगे इसको 2 से तो यह जाएगा 7, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 7, फिर 2 से कटा लेंगे 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा ये और यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 7 से जब कटाएंगे 1, 1, 1। ठीक, अब सबका मल्टीप्लाई आप कर लो, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 7 = 56, यहाँ हो जाएगा आपका 56। ये तो 56 हो गया आपका एलसीएम। आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, एक दो तरीका और है, इन सबको भी 56 56 कर लो, या फिर इसमें इसका डिवाइड करके जो आंसर आएगा इसमें गुणा कर लो, या तो फिर ये 56 7 है तो 7 यहाँ पर छोड़ लो, 2 × 4 × 8 बच रहा, 8 का गुणा 3 में कर लो, 8 × 3 = 24 हो गया। ठीक, प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पर 8 है, 2 × 4, 4 × 8, 8 खत्म, 7 बचा, या इस 8 का डिवाइड इसमें कर लो 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेना, 9 × 7 = 63। ठीक है, क्योंकि देखो 2 × 4 × 8 होया तो 7 बचा है ना, 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे माइनस अब हम लोग। ठीक है, 7 का गुणा इसमें करेंगे, अरे डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56, 8 आएगा, 8 × 6 = 48 होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहो तो 63 में से 48 को माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको इसको एक साथ जोड़ लीजिए आप, 4 × 3 हो जाएगा 7 और 6 × 2 हो जाएगा 8, 87 माइनस 48 बाई आ जाएगा 56। ठीक है, अब इसे हमें घटा लेना है तो ये कह देगा इसमें 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 39/56 यही होगा आपका आंसर। तो ये रहा आपका घटाना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गुणे पर, गुणे की बात करेंगे हम लोग। मान लेते हैं 3/7 दे दिया मल्टीप्लाई 21/4 दे दिया मल्टीप्लाई 3/5 दे दिया, इसको हमें सॉल्व करना है, गुणा दे दिया, गुणा करना है। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो आप करना क्या है, आपको काफी सिंपल है, नीचे की जितने भी वैल्यू है ना उसका आप टेबल पढ़ करके किसी ऊपर वाले वैल्यू को कटा सकते हो, छोटा कर सकते हो, या फिर देखिए नीचे वाले किसी वैल्यू से आप ऊपर वाले वैल्यू को कटा सकते हो और ऊपर वाले किसी भी वैल्यू से आप नीचे वाले वैल्यू को कटा सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो ये 7 है ना, ऊपर देख लो इसमें 7 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, छोड़कर आगे बढ़ो, ऊपर वाला देखो नीचे से कोई मतलब, नीचे सब अपना सगे संबंधी है,
कोई जो झगड़ा वगैरह होगा ना, मार काट आपको नीचे वाले से नहीं करना है, ये आप ही के परिवार है नीचे वाले, हमें ऊपर वाले जाना है, ऊपर वाले पर, ठीक है। तो 7 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, इसे कोई लेना देना नहीं है हमें। 21 7 के टेबल में आता है, 7 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, ठीक है, गुड। अब देख लो, ऐसा कोई हम नहीं है, 4 का टेबल में 3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला आप, ठीक है। सब ऊपर जितना बचा है ऊपर का गुणा आपको ऊपर कर देना है और नीचे का गुणा आपको नीचे कर देना है। कैसे, चलो देखो, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर हमें गुणा करना है, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, और 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 होगा, ये हो जाएगा 27/4 = 20, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और देख लो, 3/5 है, 55/7 है, मल्टीप्लाई यहाँ 63/4 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले 5 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा, छोड़ो आगे बढ़ो, 5 के टेबल में 55 आएगा, 5 × 50, अब 5 × 11 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 × 1 = 1 और 5 × 1 = 1 और 5 × 1 = 1, यानी 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। 7 आइए, 7 से 3 कटेगा, नहीं, आगे बढ़ो, 7 के टेबल में 11 आएगा, नहीं आएगा, आगे बढ़िए, 7 के टेबल में 63 आएगा, 7 × 9 = 63, 9 बार जाएगा, ये खत्म, 1 और ये आ जाएगा 9, 7 × 9 = 63, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, चलो 4 आया, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, बस अब कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर का गुणा ऊपर कर देना है आपको, नीचे का गुणा आपको नीचे कर देना है। चलिए कैसे, देखिए, 3 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे या 9 का गुणा इसमें करेंगे, 99 हो जाएगा, 99 में 3 का गुणा करना है आपको, 99 × 3/4 करिए, 9 × 3 = 27 = 7 हो गया, इन हैंड 2 आया, और 9 × 3 = 27 = 28 = 29, और बटे में 4 आ गया। अब चाहेंगे तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, 4 × 4 = 28 होगा, इन 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1, इन, अब देखिए यहाँ पर शेषफल 1 आ गया ना, 1 को आप यहाँ पर ऐसे करना है आपको, 74 आपकी होल वैल्यू हो जाएगी, 74 सही 1/ जो शेष है 1, और बटे में आ जाएगा 4, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक फ्रैक्शन वाला सवाल भी देख लो आप, फ्रैक्शन वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 3 सही 5/9 है, गुड़े 5 सही 3/7 है, गुड़े 2 सही 1/3 है, इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलो 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 × 3 = 27 और 5 हो जाएगा 32, फिर से गुणा कर लो, 9 × 3 = 27 और 5 = 32, बटे में आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35, 35 × 1 = 36, 37 × 38 हो जाएगा, 38/7, मल्टीप्लाई 3 का गुणा इसमें करें, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 7/3 = आपका 3, ठीक, इतना हो गया। अब चलो, अब जो कटने वाला है उससे कटाते हैं हम लोग, 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं, 7 के टेबल 7 7 ऊपर नीचे कट गया, 9 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आने वाला है, सब ऊपर का गुणा ऊपर कर देना है आपको, नीचे का गुणा आपको नीचे कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, नीचे का करेंगे, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, ऊपर का गुणा आपको ऊपर में कर लेना है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 30, तो 3 का गुणा हम 8 में करेंगे, कैसे, देख लो, यहाँ पर 30 + 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 का गुणा 8 में कर लो, 8 × 3 = 24 = 4, इन हैंड 2 और 3 × 9 = 9, 9 × 10 = 11, ठीक है। कैसे समझो आप, 30 है ना, 30 + 2 करेंगे तो 32 नहीं होगा, तो 30 में हम लोग 3 का गुणा इसमें करते, 3 × 8 = 24 = 4, इन हैंड 2 और 3 × 9 = 2 = 11 हो गया, इतना हो गया, लेकिन 30 था तो 1 0 भी यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 2 बचा है इसमें का, 2 का गुणा 38 में कर लेंगे, 2 × 8 = 16 = 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 8 = 16 = 6 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 = 7 हो जाएगा, 76, ठीक है, इस दोनों को जोड़ लो, 6 हो जाएगा,
सात चार ग्यारह को एक हो जाएगा और ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा वन, यानी क्या हो जाएगा 1216। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। या आपको फ्रैक्शन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए ऐसे कन्वर्ट, उलझा हुआ भिन्न में दिया है तो हमें भी उलझा हुआ भिन्न में आंसर देना चाहिए। तो चलिए हम लोग 1216 में 27 से डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम, 27 का नहीं पता है, एक सिक्स को ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, दो डिजिट में ढक लो एक डिजिट में, दो छक 12 लगभग सिक्स टाइम हम हमारा जो डिवाइड है वो जा सकता है, लेकिन 9 दुनी के 18, 9 सत्य 63, 9 टाइम्स जाएगा। 9 का गुणा हम लोग नहीं 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 सॉरी 27 है ना, 2 25 5 125 होता है, 25 5 125 हो जाएगा, तो 5 बार नहीं 4 बार जाएगा भाग, 4 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे, 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, इन हैंड 2 आएगा और 4 दुनी के 8 2 10 हो जाएगा, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आप, ये 11 होगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 4 टाइम्स जाएगा आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 5 टाइम जा सकता है, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 का गुणा हम लोग इसमें करें, 7 5 35 को 5 हो जाएगा, इन हैंड 3 आएगा और 5 का गुणा 2 में करें 13 हो जाएगा, 5 दुनी के 10 और 3 13 घटा देंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 45 आपका हो जाएगा होल वैल्यू 45 और 1 यहां पर सही बटा में आ जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो गुणा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग डिवाइड पर, डिवाइड की बात करते हैं, तो डिवाइड में क्या होगा देख लो, मान लेते हैं कोई है भिन्न 12 बटे के है 16 डिवाइड 7 बटे है 21, ठीक है 24 करते हैं, 7/24 है, इसका हमें डिवाइड करना है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, जब भी आपसे डिवाइड पूछ ले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको 12 बटे के 16, यहाँ पर बना लेना है गुड़े का निशान। भाई देखो डिवाइड से हो गया गुड़ा, तो जब गुड़ा हो जाता है ना तो राइट साइड में जो भिन्न आपका होता है उसको भी हम लोग पलट लेते हैं, यानी कि 24 ऊपर चला जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा आपका 7। ठीक है, जब भी देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को आप कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई में, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी हर अंश में चला जाता है और जो अंश होता है वो हर में आ जाता है। ठीक है, अब देखो कोई जो कट रहा है उसको कटा देना है, यानी कि 8 है, 8 के टेबल में 16 भी आएगा और 8 के टेबल में 24 भी आएगा, तो 8 का टेबल आपको पढ़ना है, तो 8 दूना के 16 हुआ और 8 3 के 24 हुआ। अब नीचे से और कोई कट रहा है, देखो 2 से 12 भी कटेगा तो 2 एक कम 1 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा, अब तो कोई वैल्यू नहीं कट रही है, ऊपर का गुणा आपको ऊपर कर देना है 6 × 3 और नीचे का गुणा नीचे कर देना है 1 × 7 कितना हो जाएगा 36 18, अब बाई आ जाएगा 7, 18/7 हो गया। अब इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देना है, तो 18 में आपको 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 14 हो जाएगा, यहाँ पर घटा लेंगे 4 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा देख लो, 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका होल वैल्यू, 4 आ जाएगा ऊपर, 4/7 आ जाएगा आपका 7, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो और भी देख लो एक ऐसा सवाल और भी, 9 से ही 7/18 डिवाइड 15 से ही 6/5 ऐसे सवाल आ जाएगा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करना है, इसको जोड़ लेना है आपको, और फिर सबसे पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट आप कर लोगे, तो 18 का गुणा आपको 9 में कर लेना है, कितना हो जाएगा देख लो, 9 में हम लोग देखिए गुणा करना होता है ना ऐसे वैल्यू का, तो 18 का टेबल आप 9 में पढ़ो, या तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि 10 - 1 हो जाएगा आपके पास, जब गुणा आपको करना होता नहीं आता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 = 9 नहीं हुआ, और यहाँ पर हम गुणे 18 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें कर लीजिए 180 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लीजिए -18 हो जाएगा, या तो एक बात और है कि 18 का टेबल 10 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा
10 बार पढ़ेंगे तो 18 दहां पर 180, और 180 में से 18 आप घटा लीजिए, सेम वही चीज है। यहां पर ये कर देगा इसको तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 7, यानी कि आपको सीधे समझ में आ गया कि 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 भी है, 162, ठीक है, 18 9 162। अब 162 में आपको 7 ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 7 2 हो जाएगा आपका का 9, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू आपकी, इसका गुणा इसमें किए हम लोग तो 162 आएगा, ठीक है, 18 9 162, और 7 ऐड कर देंगे तो 169, यानी 169 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 18, डिवाइड इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 और 5 का टेबल हम लोग 15 में पढ़ेंगे, या तो 15 का टेबल 5 में पढ़ो आप, तो 15 5 75, और 6 कितना हो जाएगा 80, और 1 81, 15 5 75 हुआ और 6 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 5। ये डिवाइड है, डिवाइड को आप खत्म कर दो, मल्टीप्लाई में कर लो कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 169/18 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ऊपर और 81 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 81/5, ठीक है। 9 के टेबल में आता है देखो 18 और 91 भी आता है, ठीक है, 9 दुना हो जाएगा आपका 18, और 9 में 9 का टेबल करेंगे तो 81 9 81, ठीक है। 2 से अभी भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटने वाला, कोई वैल्यू नहीं कटने वाली है, तो आप इसको ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे का गुणा नीचे कर दो, 9 का गुणा 9 में करेंगे 99/81 को 1 हो जाएगा, इन हैंड 8 आएगा, ठीक है, 9 का टेबल 6 में करेंगे, 9 6 54, 54 और 8 को आपको ऐड कर देना है तो आ जाएगा कितना, 54 हुआ और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 62, तो 62 को हो जाएगा 2, इन हैंड बचेगा आपका 6, और 9 1 9 और 6 15, बटे में आ जाएगा आपको 5 2 10। जब भी आपको 10 से भाग करना हो तो कितना आ जाएगा, आप सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दशमलव भी लगा सकते हो, लेकिन हमें वहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करोगे आप देख लो, आपको यहाँ पर डिवाइड कर लेना होगा, 1521 में 10 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 10 आएगा, 5 2 आ जाएगा 52, 5 बार जाएगा आपका 50 आ जाएगा 2, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका 20, यहाँ हो जाएगा 1, यानी शेष से आपका कितना बचेगा 1 बच गया, यहाँ पर लिखोगे 1 5 2, होल वैल्यू हो जाएगा, ए 1 ऊपर चला जाएगा, बाई आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे भी आप दशमलव यहाँ पर लगाओगे तो जो वैल्यू दशमलव से इधर होती है वो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर बटे में यहाँ पर ऊपर लिख लोगे, और ये होल जो बचा हुआ इधर का भाग होगा वो हो जाएगा आपका होल वैल्यू में, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था जोड़ घटाना गुणा और भाग सीएचएस एग्जाम के लिए और नवोदय एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जिन बच्चों को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ये सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको कोई प्रॉब्लम और भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी फिर फ्रैक्शन से आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो और सीएचएस का और नवोदय विद्यालय की तैयारी करते रहो, फॉर्म भी आ गया है, आप टाइम से उसे फॉर्म को आवेदन आप करवा लीजिए, ठीक है।